हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, लर्न एट होम की दुनिया में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे मल्टीपल टेबल को अपेंड किया था और उसे हमने मर्ज किया था। मर्ज किया था। आज हम कुछ और सीखते हैं, तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट सीखेंगे कि पिविट एंड अनपिविट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और क्यों क्यों जरूरी होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी एक्सेल सीट है, देखिए यहाँ पर चार सीट्स आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर जो देखिए एक सीट है, यहाँ पर आइटम आईडी लिखी हुई है इनकी और ये डेट वाइज इनकी स्टॉक या सेल्स कर सकते हैं, जो भी है सेल्स है ये इनकी जो है, यहाँ पर सेल्स यहाँ पर गिवन है, सॉरी ये स्टॉक ही है ये। तो यहाँ तक ये डेट वाइज स्टॉक दिया हुआ है यहाँ पर, इसी तरीके से ये क्रॉस करके मुंबई, पुणे एंड दिल्ली, इन सभी को हमें क्लीन अप करना है और फिर अपने मॉडल में कनेक्ट करना है और फिर कोई रिपोर्ट क्रिएट करनी है। तो इस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को हम देखेंगे और एक बहुत ही जरूरी टॉपिक जिसे हम कहते हैं अनपिविट और पिविट करना, वो भी हम इसी क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे हम काट देते हैं यहाँ से और पावर बी की फाइल ओपन करते हैं और यहाँ से कनेक्ट करते हैं उस फाइल को। ठीक है, हमने यहीं से एक्सेल कनेक्ट कर लिया है और यहाँ से हम एड्रेस कॉपी करके लाते हैं इस फाइल का और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं और ये जो फाइल है इसको हमने कनेक्ट कर लिया है। क्योंकि एक्सेल फाइल है तो ये हमने कनेक्ट लिया है, ये स्टॉक डेटा है डेली का। अब देखिए अभी यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमें सभी पैनल चाहिए, तो हमने सभी पैनल को कनेक्ट करके ट्रांसफॉर्म डेटा पे कनेक्ट कर लिए। ठीक है, चारों को हम थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे और देन उसको अपेंड करके अनपिवट करेंगे इसे। ठीक है, देखो चारों को यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है, चारों को हमने सेपरेट सेपरेट कनेक्ट करना है। सबसे पहले दिल्ली पे आते हैं और देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम इसको फर्स्ट आइटम्स को हेडर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये क्वांटिटी और करंट जो एंट्री है हमें नहीं चाहिए इसमें से। ओके, तो हम सबसे पहले इसको फर्स्ट रो को हेडर बना लेते हैं। फर्स्ट रो को ऐसे हेडर बना लिया हमने और इसके बाद हमें इस आइटम को डिलीट करना है। तो इसको और कंट्रोल दबाकर मैं सिलेक्ट किया और इसको राइट क्लिक करके रिमूव कॉलम कर दिया। अब रिमूव करने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे कि जो वैल्यूज हैं वो कई मल्टीपल कॉलम्स में है। ठीक है, एक आइटम है और जो वैल्यूज है वो डेट वाइज मल्टीपल कॉलम्स में है। लेकिन डेटा मॉडलिंग में सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारा जो कॉलम्स जो डेटा को रखने का जो तरीका है वो हमारा अनपिविट होना चाहिए। दोनों में क्या फर्क है? अनपिविट का मतलब होता है कि जो भी एक वैल्यू है वो एक कॉलम में होनी चाहिए। यानी अगर मान लीजिए कोई सेल्स है या कोई इन्वेंट्री है वो हमारी सिंगल कॉलम में होगी और जो उसके रिलेटेड जो और पैरामीटर्स हैं या और कॉलम्स हैं या और फिल्टर कॉलम्स हैं वो अलग होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये आइटम हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि ये हेडर जो है इसका आइटम आईडी है और ये उसके आइटम्स यहाँ पर गिवन है। लेकिन आप ये देख पा रहे होंगे कि तो ये किसी डेट की इन्वेंट्री है, तो यहाँ पर लिखा है डेट लेकिन ये इन्वेंट्री है, ये स्टॉक है, तो ये कॉलम यहाँ पर गलत हो जाता है। यहाँ पर तो ये कॉलम हमें ये नहीं बता रहा कि इस डेट पर हमारा कितना स्टॉक है। हाँ देखो ये करेक्ट बता रहा है हमें, लेकिन हम कहेंगे जो पावर बीआई या कंप्यूटर की भाषा में कहें तो इस टेबल को ह्यूमन समझ सकता है लेकिन ये इसको आगे प्रोसेस नहीं कर सकता। इस पर हम ये एक्चुअली पहले से ही एक पिवट टेबल है कि ये पिवट का टेबल मतलब होता है कि क्रॉस करके हम वैल्यूज देखते हैं कि ये 18 जनवरी की इस आइटम की आइटम जो स्टॉक है वो 24 है और फिर इस डेट में ये है। तो इस तरह से मॉडलिंग जो होती है उसमें ये सभी यानी यहाँ आइडियल जो कॉलम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये आइटम आईडी है और यहाँ पर डेट्स हों गिवन और उन डेट्स के आगे यहाँ पर स्टॉक हो। ये स्टॉक का एक कॉलम और एक कॉलम डेट का और एक कॉलम आइटम आईडी का होना चाहिए और यहाँ पर इतने सारे कॉलम्स की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इसको हमें अनपिवट करना है। अब देखिए इसमें दो तरीके होते हैं, एक अगर हम इस कॉलम पर क्लिक करें और राइट क्लिक करके यहाँ पर अनपिवट कॉलम करें देखेंगे कि यहाँ पर सॉरी हमने गलत कर दिया, हमें जिन्हें करना है उन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें अदर करना होगा, यानी कि जिन वैल्यूज को हमें पिवट करना है उन पर को हमें सिलेक्ट करना है। तो हमने यहां से लेकर के लास्ट तक गए
और शिफ्ट दबा करके हमने इसे क्लिक कर लिया। एक्चुअल में अभी हमने सभी कॉलम्स को जिन्हें हमें एक जैसे सभी कॉलम्स हैं उन्हें सिलेक्ट कर लिया है और इस आइटम आईडी को छोड़ दिया है और इसको हमने किया है पिवट। सॉरी पिवट तो ये ऑलरेडी है, इसे हम किया है अनपिवट। तो जैसे हमने अनपिवट पे क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे कि जो ये आइटम जो रिपीट हो गई है ना, और देखिए जो डेट जितने भी कॉलम आ रहे थे वो सभी इसी में चले गए हैं और उनके अगेंस्ट में आगे इन्वेंट्री आ गई। देखिए नीचे जाएंगे तो इसमें स्टॉक आएगा, अभी डेट में ब्लैंक होगा तो यहाँ पर वैल्यूज आ रही है। ये देखिए जैसे इस आइटम का तो ये आइटम सेम आ रहे हैं यहाँ तक, तो हर आइटम जो है वहाँ पर अपने आप ही रिपीट बन चुके हैं और हर जितने जितनी डेट्स होंगी उतनी बार ये रिपीट हो गया है और उतनी डेट का जो वैल्यूज थी उसके सामने आ गई। तो अब इस पर हम रिपोर्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर डेट का एक कॉलम है, इसको हम फिल्टर कर सकते हैं इस कॉलम के हिसाब से या आइटम आईडी के हिसाब से और उसकी वैल्यू देख सकते हैं। तो ये हुई हमारी अनपिवट टेबल। तो मींस हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अनपिवट का मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा है वो एकदम फैला हुआ है, स्प्रेड है, उसे हम कंबाइन कर दें मल्टीपल कॉलम को, मतलब वो सेम है तो उन्हें एक तरफ कंबाइन कर एक कॉलम बना दे। हाँ, यानी हमें ध्यान ये रखना है कि डेटा मॉडलिंग में कि जिस पर भी मेजर बनाएंगे, मान लीजिए हम क्या कैलकुलेशन दिखाना चाहते हैं कि स्टॉक क्या है, सेल्स क्या है, वो एक कॉलम होना चाहिए। तो अगर एक ही चीज के कई सारे कॉलम्स होंगे तो मॉडल जो हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो हम इस पर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर अनपिवट करके हमने जो क्वांटिटी कॉलम था, तो वहां पर वैल्यूज का भी एक ही कॉलम है और यहाँ पर ये जो उसके फिल्टर्ड कॉलम हो गए, यानी कि हम फिल्टर कर सकते हैं इसको आइटम वाइज या डेट वाइज, लेकिन पहले हम इसे नहीं कर सकते थे। तो ये हमारा अनपिवट ऑप्शन है और जब इसको हम पिवट बनाएंगे, यानी इसके अगर पिवट टेबल बनाएंगे तो चाहे हम इसको रॉ में डाल सकते हैं, इसको हम कॉलम में डाल सकते हैं और ये वैल्यूज सबसे क्रॉस करके डेटा बनाएगी, यानी कि इसको रॉ में डाल दिया, इसको कॉलम में डाल दिया और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी जैसा ये डेटा वैल्यू था। देखिए यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर था, ऐसे ये वैल्यू यहाँ पर इस वक्त आ रही है कि देखो इस वैल्यू के अगेंस्ट में ये वैल्यू। ठीक है, तो ये यहाँ पर एकदम क्लियर है। अब इस केस में यहाँ पर हम इनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, पर अभी इसको ऐसे लेटेड भी रहने देते हैं और या हम चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं है। इसको हम आइटम्स हैं तो ये टैक्स कर देते हैं और ये हमारी डेट्स हैं तो इसको हम डेट कर देते हैं, तो डेट हो गया ये। और ये हमारा इसका हेडर भी चेंज कर लेते हैं साथ में, ये हमारी डेट्स हैं और ये हमारी जो है क्वांटिटी थी, इन्वेंट्री थी, ये हमारा करंट स्टॉक है और ये इसको हम होल नंबर कर देते हैं, इन्वेंट्री होल नंबर में। ठीक है, तो ये हमारी दिल्ली की आइटम जो है रिकॉर्डेड हो चुकी है। अब चाहे तो हम इसको हैदराबाद हरियाणा में जाते हैं, सेम प्रोसेस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हमने ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमने सभी कॉलम्स पर क्लिक किया था। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया था, इस स्टेप में हमने उस कॉलम से लेकर के उन सभी कॉलम को क्लिक किया था और फिर उसे अनपेवर्ड अदर कॉलम कर दिया था। अब यहाँ पर उससे बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि हम यहाँ पर हम इसको वापस वही स्टेप अप्लाई करते हैं, use first row header करते हैं और उसके बाद इन वैल्यू चेंज किए बिना पहले ही इन दोनों कॉलम्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इस कॉलम प्लस कंट्रोल दबा करके हमने इस कॉलम पर क्लिक किया और इसे हमने रिमूव कर दिया। अब हम इस आइटम पर क्लिक कर सकते हैं और अनपिवट अदर कॉलम कर सकते हैं। तो इसमें क्या फर्क ये होगा कि हमने अदर कॉलम कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा है, अदर कॉलम पर क्लिक करने पर इसके अलावा जो भी कॉलम्स वहां पे होंगे या अभी और आएंगे उस टेबल के अंदर तो वो भी अनपिवट हो जाएंगे। क्या फटाफट से हो गया ये भी, तो इसको भी हमने टेक्स्ट कर लिया, इसको हमने डेट कर लिया और इसको हमने होल नंबर कर लिया, इनकी वैल्यूज चेंज कर लेते हैं, ये हमारी डेट्स है। ये हमारी डेट्स है और ये हमारे लिए क्वांटिटी है, हमने उधर कर लिया था इन्वेंट्री। ठीक है, ये हमारे इन्वेंट्री है। इसी तरीके से अब मुंबई में हम करेंगे काम, सेम टेक्निक्स है यहाँ पर, हम इसको कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ, इसे हम अलग तरीके से कर सकते हैं, तो जैसे हम चाहे तो इन दोनों कॉलम को पहले रिमूव कर सकते हैं, पर यहाँ पर डिफरेंट ये हो जाएगा कि अब ये कॉलम
454 आ रहा है यहाँ पर, तो रिमूव करना में जो कोडिंग बनेगी वो कॉलम बनेगी, रिमूव किया हमने कॉलम 454 और 455। अब हमें नहीं पता इसकी इस कॉलम में ही ये वैल्यू आएगी या नहीं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फ्यूचर मॉडल के लिए। तो इसलिए हमने सबसे पहले इसको हमने इसको हेडर बनाया है। और अब देखेंगे कि अगर अब इसे हम रिमूव करें वेदन वैल्यू इसको, कंट्रोल दबा करके हमने यहाँ पर कंट्रोल दबा लिया, अब इसको रिमूव किया है। तो देखिए यहाँ पर रिमूव क्या हुआ है, क्वांटिटी एंड करंट पॉइंट, ठीक है। और अगर यही स्टेप अगर हम पहले लगाते प्रमोट हेडर से पहले, उसके फॉर्मूले कुछ अलग है। तो देखिए अब यहाँ पर इसको और इसको हमने रिमूव किया है, तो अब देखिए कोडिंग में क्या बना है। तो यहाँ पर ये गलत हो सकता है फ्यूचर में, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए हमें फ्यूचर के हिसाब से देख कर चलना पड़ेगा, हमारे पास जो डेटा है करंट ये नहीं रहने वाला है, ये वैल्यू चेंज होती होती है, ये पहले से हम इसको मान के चलेंगे कि ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है जो आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करेंगे। जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में फेस की प्रॉब्लम, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ पहले से, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले हमने इसको फर्स्ट क्लास हेडर, अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज आ चुकी हैं, कोई भी हार्ड कोडिंग नहीं हुई है यहाँ पर, इनका नाम फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन अब इन दोनों को क्लिक करके हम रिमूव करेंगे, तब ये रिमूव हो गए। और अब इसके अलावा यहाँ से कर सकते हैं, आप इससे कहीं और सेव करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जा करके ये अनपिवट अदर कॉलम्स, ठीक है, ये हो चुका है हमारा। और यहाँ पर देखो कुछ एरर आई है, लेस देन 1% कुछ एरर है, यानी कुछ वैल्यू यहाँ पर है। तो अब चेक करते हैं इसमें क्या एरर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं तो अपडेट्स ही हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो अदर कॉलम करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डेटा लोड कर देखते हैं। तो यहाँ पर डेटा कुछ एरर है, डेटा फॉर्मेट की एरर आ रही है, इनवैलिड सेल वैल्यू प्रॉपर्टीज, किसी न किसी वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है जो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। सभी नंबर में कन्वर्ट नहीं किया है इसको, लेस देन 1% एरर, ये नहीं हो सकता एक या दो में ही एरर हो। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इसको हम एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं ताकि एक बार डेटा दोबारा से खुल हो। अब यहाँ पर हम इसको नहीं चेक कर पा रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। तो पहले वैल्यू को हम वो बना के देखते हैं, होल नंबर हेडर हो, हाँ इसे हम होल नंबर बनाते हैं। उस एक्चुअली एरर वो पहले ही आ चुकी है, हम होल नंबर बनाएंगे भी तो भी वो एरर ही रहेगी। देखिए एरर ही अभी भी, अनपिवट अदर कॉलम्स करने में भी ये यहाँ पर एरर नहीं आई है। और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कोई हेडर सकता कुछ नल वैल्यू या कुछ एरर पहले से ही इसके अंदर आ रही हो। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, देखो एक्चुअली में यहाँ पर वैल्यू इसके अलावा कुछ नहीं है। ये समथिंग कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर। तो अभी हम क्या करते हैं इसको, अभी इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अब हम पहले पुणे वाला कर लेते हैं, फिर वापस पर आते हैं कि देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसमें भी आती है या नहीं, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही अप्लाई करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट फटाफट से देने से इसको और इसको हम रिमूव कर देते हैं कॉलम्स, और इसके बाद इसको पकड़ करके अनपिवट अदर कॉलम्स। देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आई है, यानी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुंबई वाली एरर है। हम जाकर मुंबई वाली टेबल को ही एक्सेल शीट में देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम वापस कर देते हैं इसको डेट्स और इसे कर देते हैं इन्वेंटरी। ये जो हमारे यहाँ पे हेडर होते हैं किस सेंसिटिव होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं ये। और अभी हमने एक रूल लास्ट क्लास में देखा था कि अपेंड के अंदर हेडर सेम होने चाहिए, तभी हमें इसको अपेंड करना है, क्योंकि हमें इन सबको अपेंड करना है फिर कोई वैल्यू बनानी है। तो यहाँ पर हमने इसको कर लिया है होल नंबर, कोई एरर नहीं यहाँ पर। ये हमारा टेक्स्ट है, ये तीनों क्लियर हो चुके, नहीं ये हमारा डेट है, ठीक है। अब देखिए दिल्ली हमारा ओके है,
हमारा ये हरियाणा ओके है, मुंबई ओके है, और मुंबई मुंबई में में प्रॉब्लम है और पुणे ओके है। तो अभी इसको हम अप्लाई एंड लोड कर लेते हैं और फिर फाइल को ओपन करके देखते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई डेट में भी प्रॉब्लम आई किसी में भी, तो ये हमारा लोड हो रहा है डेटा, ताकि डेटा लॉस्ट ना हो जाए इसलिए हम पहले लोड कर ले रहे हैं इसे और फिर फाइल ओपन करके देखेंगे। जब पावर क्वेरी ओपन होती है किसी फाइल से कनेक्टेड, तो फाइल हम ओपन नहीं कर सकते। जब ये लोड हो जाती है तो पहले हमें कनेक्शन टूट पावर जाता, क्वेरी को बंद करना पड़ेगा, तभी हम बदलना कोई फाइल ओपन कर पाएंगे। देखिए ठीक है, इन सभी मेरर आई है। पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये क्लोज कर दिया यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर फाइल को ओपन करके, ये फाइल अभी ऑलरेडी ओपन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें कभी किसी प्रोजेक्ट में अनप्राइवेट और प्राइवेट भी करना पड़ेगा। हाँ, हमें करना पड़ेगा अगर हमारे पास इस तरह से डेटा आता है। देखिए यहाँ पर एक ही जो वैल्यू, एक ही एंट्री है, वो अलग अलग डेटा में दी हुई है। यहाँ पर अब देखते हैं कहाँ पर एरर है। काउंट हो गया, सम नहीं हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ टेक्स्ट हो सकता है, वरना वैल्यू सम होनी चाहिए थी। यहाँ पर काउंट भी आ रहा है, सम भी आ रहा है, यानी इस कॉलम में प्रॉब्लम नहीं है, इसमें काउंट सम नहीं आ रहा। इस तरीके से देखिए, अगर आप यहाँ देखते हैं जा करके, काउंट सम आ रहे हैं, देखिए तो जहाँ पर हटेगा नहीं उसी कॉलम में प्रॉब्लम होगी। जैसे हटता है वैसे पता, देखना फटाफट नोट करेंगे फटाफट से कि तीनों ही वैल्यूज एक नंबर कॉलम पर आती है, यानी कि इसमें टेक्स्ट कॉलम होगा वहाँ प्रॉब्लम आई होगी। तो फटाफट से जा रहे हैं हम तेजी से, जैसे ये देखिए ना, अब ये वैल्यू हट गई, काउंट सिर्फ काउंट रह गया। वापस जाते हैं फटाफट फटाफट से बैक बैक बैक, नंबर नोट करना जहां से हटेगा वो। तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये होती है, एक बार काउंट आ जाता है तो वो सम नहीं होता, उसका सम नहीं आता, फिर ये याद रखना है ना कहाँ से आता है ना, कॉलम नंबर ऊपर याद रखना। तो चलते हैं फटाफट से, मैं नीचे दिख रहा हूँ, हम यानी कि यहां पर कहीं इसी को फर्क है। कौन सा कॉलम था, ओ जे जे आते हैं जे जे वाले कॉलम में। ये देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि 19 में ये रेफरेंस एरर आ रही है, और इसी की वजह से वो पूरा हमारा पूरा डेटा डेटा जो है खराब। करप्ट हो रहा है, जो कि हमारा मुंबई के अंदर है। क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करना है इस एरर को। तो सबसे पहले ये इसके अंदर अब ये एरर बनेगी क्या, ये पहले से एरर है, तो इसी हमें या तो वैल्यूज को डिलीट मार देंगे ऐसे जीरो कर या दो। इसको जीरो कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, इसे भी काट देते हैं। अब वापस पावर बी आई खोलते हैं, और सॉरी वो मैं डेट भूल गया, डेट क्या थी, 21। ओके नहीं, मुंबई में 21 तारीख के आसपास थी, 21 सितंबर के आसपास। तो वापस हम मुंबई में आते हैं, यहाँ पर एरर आ रही है, हमें पता है कहाँ आ रही है वो। इसमें 21 सितंबर यहाँ पर क्या वैल्यू बनती है वो देखने देखते हैं। अच्छा एक्सेल की तरह यहाँ पे फाइंड रिप्लेस नहीं चलता है, चलिए मैं वापस में जाना पड़ेगा उसमें, क्योंकि हम ऐसे नहीं देख पाएंगे। ठीक है, काफी मैनुअली तरीका हो जाता है जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, ये रहा एरर, एक्चुअली में ये एरर आ चुकी है। अब सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा इसमें, अगर मैं यहाँ से रिमूव एरर करूंगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। रिप्लेस वैल्यू कर दो। अब देखो यहाँ पर देखते हैं क्या ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। अगर मैं रिप्लेस वैल्यू में रिप्लेस एरर करूं, रिप्लेस एरर और इंसर्ट करूं, और रिप्लेस एरर को मैं जीरो कर दूं, तो इस सिलेक्टेड कॉलम कह रहा है, यानी कि मुझे सभी कॉलम में करना होगा। यानी कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे कंट्रोल ए करना है, यहाँ पर मुझे पता चला कोई कॉलम ऐसा है, कंट्रोल ए करना है, और यहाँ पर एरर प्रॉब्लम लगाने के बाद हमने
यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन था, कहाँ था? यहाँ ट्रांसफॉर्म। रिप्लेस एरर्स, वैल्यूनेड एरर्स। अब एरर कुछ भी हो उस एरर को हमें जीरो कर देना है, क्योंकि हमारे पे हम यहाँ रिमूव नहीं कर सकते, हम यहाँ पे रिमूव एरर का ऑप्शन होता है। अब रिमूव करने में क्या होगा, सारी रॉज डिलीट हो जाएंगी, हर रॉ में एरर है। अभी हमने इसको जीरो कर दिया, अब देखते हैं ये जीरो हो चुका है। अब पूरी टेबल में जहां भी एरर होंगी, टेबल में कहीं भी एरर होगी वहां जीरो हो चुका है। कि हम चाहे तो इसको हटा करके बाकी सब कर सकते थे, हमने पूरे उस पर कर लिया। अब वापस यहाँ आते हैं, अब अनपिवट एंटर कॉलम करते हैं, तो देखिए अभी एक वैल्यू खत्म हो चुकी है, तो उस डेट में वहां जीरो आ चुका है, जो कि डेटा नहीं है हमारे पास, तो वहां जीरो मान लिया हमने। ठीक है, अब इस केस टाइप में अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, मतलब कि हमारी मुंबई भी ठीक है और ये भी हमारा पुणे भी ठीक है। यहाँ पर देखो डेट्स में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि यहाँ पर क्या है एरर, लेस देन 1%। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसमें भी क्या करते हैं, वापस जाते हैं यहाँ पर, ये ठीक था हमारा, ये भी अब तक ठीक है। चेंज टाइप करती प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि कुछ है जो डेट्स नहीं है हमारी। अगर हम यहाँ पर जाकर देखें तो कुछ ऐसे ही ज्यादा वैल्यू नहीं है, आया था क्या? नहीं। आप पर्स नजर रखेंगे इसके ऊपर और देखिए 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 देखिए, ठीक है, ये वो सभी प्रॉब्लम्स हैं जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली फेस होती हैं, कैजुअली फेस होती हैं, इसलिए हम इस पर थोड़ा टाइम लगा रहे हैं और देखते हैं वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी होती है अपने आप से। तो यहाँ पर हमें कोई एरर पता नहीं चल रही, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी इसके अंदर भी, जो ये डेट बनाने में एरर आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे इस स्टेप में ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इस स्टेप में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर कुछ हमने क्या किया, यहाँ पर चेंज टाइप किया है। चेंज टाइप में ही यूजली देखने में आते हैं प्रॉब्लम आती है। अब ये हो सकता है इसके अंदर यहाँ पर एरर आ रही है, और ये एरर हम चाहे तो रिमूव एरर कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये एरर है हमारे पास, हम चाहे तो एरर को रिप्लेस भी कर सकते हैं, पर हमें नहीं पता कि एरर क्यों आ रही है, रिप्लेस नहीं करेंगे इसको, एरर का ही पता लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर तो ये टेक्स्ट है, अगर हम इस स्टेप पर आए, इस स्टेप पर, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, सकता है कुछ वैल्यू में यही एरर आ गई हो। कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आई होगी, या फिर हाँ एक और मेथड हम यूज करके देखते हैं कि अभी हमें आइडिया नहीं है कि क्या करना है। हम चेंज टाइप ना करने के बजाय हम इसको, हमें पता है ये यूके की रेट है, तो इसको ऐसे लोकल करते हैं, ये हमने पहले बात की थी, हमें पता है यूके की रेट है, तो जबरदस्ती इसको यूके की रेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ हमारा डेट, और ये हमें करना है यूके के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से कर सकते हैं, ये दोनों एक ही के हैं, चलो इंडिया कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर इंग्लिश इंग्लिश एंड इंडिया भी इसमें मिलेगा, अगर हमें यूके मिल जाएगा तो ये रहा। और इसको वैसे नॉर्मल करने पर भी इंडिया ले रहा था, तो इसलिए हम यूके यूके ही कर देते हैं, यूके, और हमारा जो डेट का कॉन्सेप्ट है वो एक ही है। ये तो फटाफट ढूंढते हैं यूके, ये हमने पहले ही कर लिया था। हाँ ये हमने पहले कर लिया था, कहाँ गया वो, अरे नीचे अच्छा ये रहा यूके एंड ओके ओके, यानी कि इसमें अभी भी है, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर, डेट के अंदर, पुणे वाले के अंदर, तो वहां चेक कर लेते हैं पहले। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसको क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, यहाँ पर खोल के उसे खोलेंगे तो खुलेंगे नहीं खुलेगा, बात कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारी वो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम अपना मॉडल बनाना कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं हो रहा है, क्या हो गया। हाँ करेक्ट, अब होता कुछ नहीं है उसमें थोड़ा। हाँ तो हम वही सीख रहे हैं कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो एक प्रॉब्लम आई है तो उनको कौन कौन से एक्सपेक्ट हो सकते हैं, अभी तो हमें भी नहीं मालूम, कोई आइडिया नहीं है कि क्या प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है और कैसे ढूंढना है उसे। तो चूंकि हमारे पुणे वाली में फाइल में प्रॉब्लम आ रही है और हेडर में ही प्रॉब्लम है, तो हम हेडर ही देखते हैं सीधा, किसी न किसी एक फाइल के अंदर जो डेट नहीं बनी होगी, नॉर्मल देखने में लग रहा है सब कुछ। देखते हैं, आप रखिएगा इसके ऊपर,
कुछ नहीं, ये दोनों है क्या, हमने डिलीट कर दी ये तो थी, हमने डिलीट कर दी। ये हमने डिलीट कर दी थी, ये नहीं, अभी तो देखने में कुछ नहीं लग रहा है इसमें प्रॉब्लम। एक काम करते हैं, इसको इसको हम यहाँ से करते हैं और न्यू शीट पे जा करके पेस्ट करते हैं और फिर इसे कॉपी करके यहाँ पर ट्रांसपोज पेस्ट कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज पेस्ट, अब देखते हैं क्या ये सभी डेट्स हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, तो चलो वापस चलते हैं कि हमारे हिसाब से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता कहीं ये छूट ना गया हो, तो एक बार देख लेते हैं। इसे रन सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपनी पावर बीआई की फाइल में और दोबारा से हम अपनी क्वेरी में जाएंगे। अब आते हैं वापस हम पुणे वाले फाइल के अंदर, इसमें एरर थी, डेट्स में एरर आ रही है। अब वापस नेविगेशन पर यहाँ से आते हैं, अनपिविट अदर कॉलम्स, रिमूव कॉलम्स, रिमूव में हमने दोनों कॉलम डिलीट कर दिए थे, बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अब अनपिविट अदर कॉलम करते ही एरर नहीं आ रही है, सब कुछ ठीक है, वैल्यूज भी लिस्ट में कॉन्टेन एक्स्ट्रा वैल्यूज। चेंज टाइप करते ही प्रॉब्लम, ओके यहाँ पर कुछ आ तो रहा है, लिस्ट में कॉन्टेन एक्स्ट्रा वैल्यूज, अब इसे कैसे सॉल्व करना है ये देखना है। ये एक ऑप्शन हो सकता है, कोई इंडिकेशन है तो हम इसको चेक कर सकते हैं, हम इसे गूगल कर सकते हैं एक्चुअली में, तो इसे हम गूगल करके देखते हैं कि क्या निकलता है ना, लिस्ट में कॉन्टेन एक्स्ट्रा वैल्यूज, ठीक है, इसको हम हेल्प लेते हैं बाहर से। तो जो एरर हमें देखने को मिल रही है वो है लिस्ट में कॉन्टेन एक्स्ट्रा वैल्यूज, ओके। जैसे कम्युनिटी ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल मिल सकते हैं हमको और कुछ आइडिया हो सकता है क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में आती है। तो यहाँ पर इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर किसी ने सॉल्यूशन दिया होगा, तो हम इसके अलावा एक ऑप्शन और कर सकते हैं, अगर यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू आया होगा तो हम पुणे वाली फाइल को एक काम करते हैं कि इसका हम डुप्लीकेट बनाते हैं पहले एक और देखते हैं क्या इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, यानी कि प्रॉब्लम है ये, इसको हम डिलीट कर देते हैं और इस स्टेप को यहां से इसको डिलीट अंटिल एल कर देते हैं। अब यहां पर हम इसके बाद हमें ये पुणे वाली टेबल चाहिए, क्लिक कर दिया, नेविगेट हो गया, अब यहां से ये बिल्कुल ओके था। अब यहां पर इसको हमने फर्स्ट रो को हेडर बनाते हैं, कि ये फर्स्ट रो हेडर बन चुका है, अब हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू को रिमूव करना है। अब इसको इस आइटम के बेस पर अनपिविट अदर कॉलम करना है और इसको अब डेट बनाना है, तो डेट बनाने पर एरर अभी भी डिफरेंस है जो हम समझ नहीं पा रहे कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है। तो अभी फिलहाल के लिए जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो क्या कर सकते हैं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं पहले इसको। अभी देखिए क्या कितने रोज हैं, ये तीन कॉलम 99 प्लस रोज हैं, अगर हम यहाँ पे जाकर इसको, अभी हम ऐसा कर सकते हैं, हम पुणे वाली फाइल को यहाँ से हटा सकते हैं और रेस्ट ऑफ द थ्री फाइल्स का हम यूज करके, देखो यहाँ पर ये फॉर्मेट एरर आया, यानी कि कुछ ऐसा है जो डेट नहीं है यहाँ पे, है ना, वी कुड नॉट फाइंड द डेट कॉलम यहाँ पर है। अब इसको एक्चुअल में आप फिल्टर करने से वो वैल्यू दिखनी चाहिए, जो हम एक्चुअल में शायद कुछ ना कुछ छोटी सी गलती होगी जो हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, ये
ध्यान से देखते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। एक काम और करते हैं, अगर वो डेट नहीं होगी तो उस पर एक्सेल का फॉर्मूला नहीं चलेगा डेट वाला। देख क्या करते हैं, हम इसको हम क्लोज करते हैं और जो हमने फाइल यहां पर अभी बनाई थी, क्या करने को 205 एरर है इसके अंदर। मैं यहाँ व्यू एरर देखते हैं, शायद किस वैल्यूज में एरर है पता चल जाएगा, शायद देखते हैं। तक ये वर्क होता है, हम इस फाइल को वापस खोल लेते हैं। पुणे की थी, हाँ पुना फाइल थी, एक सेकेंड, यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ पर ये पुणे की फाइल ये थी। अब अगर देखिए, अगर ये वैल्यूज सभी डेट्स होनी चाहिए, अब मैंने इसको यहाँ पर आकर के ट्रांसपोज पेस्ट मार लिया और ये हमारी डेट्स है। अब डेट का एक फॉर्मूला है यहाँ पर, डेट सॉरी यहाँ पर है एक टेक्स्ट फॉर्मूला, तो वो डेट में से वैल्यू निकाल सकता है। तो यहाँ पर हम ईयर निकाल रहे हैं, अगर उसमें एरर आनी चाहिए कि अगर वो डेट नहीं है, तो अगर एरर नहीं आएगी तो देखते हैं कि किस किस में ये ठीक है। सभी डेट आएंगे, सभी ही डेट्स हैं। ईयर्स, मंथ और डे। हाँ ये सभी निकल जाएगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, तो ये एरर नहीं आनी चाहिए एक्चुअल में देखा जाए तो। चलो यहाँ पर देखते हैं वापस आकर के, क्या कि ये वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम रूट कॉज में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं उसके। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया लेकिन एक्चुअल में समझ में आया कि थोड़ा बोरिंग हो जाता है इस टाइम पर, लेकिन नहीं, इसमें बोरिंग होने की क्या बात है, अभी फेस नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके कैसे उसे बनाएंगे जब हमारे एक्चुअल ये हमारे सामने आएंगे हाँ तो। तो यही हमें ये एक्सपीरियंस शेयर करना होगा इस तरह से, इसलिए बिल्कुल देखते रहना है। वैसे पहले मैं कह रही थी ना पुणे की फाइल को हटा देते हैं, लेकिन नहीं इसे कंटिन्यू करते हैं, फिर पता चलता रहे कि आखिर कि प्रॉब्लम क्या है, क्या कैसे इसको एक्चुअल में, प्रॉब्लम ऑफिस में बैठ के कैसे सॉल्व किया जाता है, है। क्योंकि एक्चुअली आप फ्रेशर सीख रहे हैं हाँ तो फ्रेशर में तो उतना वर्क नहीं हो पाता है, कि हमें बस वही पता है कि जो वर्क हुआ, एक्चुअल में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी होती है वो नहीं पता। अगर मैं सोल्यूशन सीधे दे देता हूँ तो ऑफिस में थोड़ी ना हम फाइल को हटाते रहेंगे कि इसमें एरर हाँ आया ये वो तो ऐसे इम्पोर्टेंट तो। है। हाँ जी, अभी ये थोड़ा सा शायद हैंग हो गया, ऐसे छोटी छोटी चीजों को हम पहले सॉल्व कर लेंगे, बाद में जो हमारा जो ओरिजिनल जो मैटर होगा वो बहुत ही ज्यादा क्लीन लेकिन अच्छा हो। अच्छा हो जाता है। और हम ये नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, एक छोटी सी प्रॉब्लम जो हमें नहीं दिखाई दे रही, वो हो सकती है कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो। बस हम उसे फिगर आउट अभी नहीं कर पा रहे, और आफ्टर दैट अगर हमें पता चलेगा अच्छा बस इतनी सी थी। राइट, और फिर हमें ये अगली बार जब प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे, सेकंड क्योंकि और यही हमारा हाँ एक्सपीरियंस बन जाता है। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ ताकि ये तो इसको पॉज कर देता हूँ 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर हम थे, तो यहाँ पर अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है हमारी, तो यहाँ पर हम अगर चेक करेंगे इसको एरर को, चल मैं यहाँ पर लोड करते हैं थोड़ा, लोड मोर, यहाँ पर एरर है, नहीं कोई ऐसी वैल्यू है इसके अंदर जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं और इतने बड़े डेटा में चेक भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक्चुअल में डेट नहीं बन पा रही है। प्रॉब्लम यही है यहाँ पर कि वो डेट नहीं बन पा रही है, तो इस स्टेप में तो वो एरर बन चुकी है, तो हम इसे लोड करेंगे ना पूरा, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एरर आ रही है, हमें पता नहीं चलता कौन सी वैल्यू वो है। हमें इसके
प्रीवियस स्टेप में ही देखना होगा कि यहाँ पर ये टेक्स्ट है तो वो कन्वर्जन से पहले टेक्स्ट ही है। तो सब कुछ करके देख चुके हैं, तो अब एक लास्ट तरीका बचता है कि उसे मैनुअली एक एक करके पूरे ध्यान से देखें उसको, ठीक है। अब आप नजर रखिएगा, मैं नजर रखता हूँ उसके ऊपर कि जो डेट नहीं है तो जो डेट होनी चाहिए। तो वापस चलिए लिखते हैं इसको, कुछ था ओके। ओह यहाँ पर ये पक्का किसी डेट्स कन्वर्ट नहीं हो सकती थी, तो यही एक मेन प्रॉब्लम है। और ये दो डेट्स आ रही हैं, यानी कि ये प्रॉब्लम है कि इस वाली ही डेट होगी, ये डेट तो होगी नहीं। तो इससे या तो हम अनक्लिक कर देते हैं, इस वैल्यू हटा देते हैं, या हम डेटा में भी देखते हैं कि वहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि डेटा में ही ठीक करते हैं उसको कि वो एक्चुअल में वैल्यू क्या थी। देखो अभी आप देखेंगे एक्सेल खुलेगा नहीं, मतलब वो फाइल नहीं खुलेगी, एक्सेल तो खुल जाएगा। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अब ये पावर क्वेरी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो सब अच्छी बात नहीं करना, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम करता ही है। तो यहाँ पर अब ये डेट याद है आपको, 99 इसमें आ जाते हैं और ये कहीं था 9 सितंबर 2019 सितंबर चला जा गया हमारा, अगस्त 9 सितंबर। यहाँ पर ये वैल्यू जो है एक ही 7 के बाद, ये एक्चुअल में 8 है, ये 9 होगी, लेकिन यहाँ पर दोनों कॉमन है, तो वो अंडरस्कोर कहाँ से आया? देखिए प्रॉब्लम ये आई होगी जब वो हेडर बना होगा ना, यहाँ पर देखिए ये प्रॉब्लम कहाँ आई होगी, जब ये हेडर बना है एक्चुअल में, ये जब इसको हमने हेडर बनाया था कहाँ, यहाँ पर। तो यहाँ पर सेम हेडर नहीं हो सकता, कोई भी एक कॉलम दूसरे कॉलम के बराबर नहीं हो सकता, कि यहाँ पर हम फोर्सफुली उसको चेंज, क्योंकि दोनों डेट एक ही है, और दोनों जब डेट एक ही है तो दोनों एक ही हेडर बन जाएंगे, और फिर फॉर्मूले में वर्क नहीं करेगा अगर एक हेडर दोगे तो। उसने बाय डिफॉल्ट दूसरे वाले हेडर को मैं अंडरस्कोर वन लगा दिया है, और जब उसको हमने अनपिवट किया तो अब वो डेट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम यही है, तो यहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हमने नहीं काटा उसको ताकि समझ पाए कि एक्सपीरियंस में रियल में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, तो एक तरीका तो ये है कि हम इस वाली वैल्यू घटा दें, लेकिन इसमें सही नहीं रहेगा, एक्चुअली हमने डेटा ही पकड़ में आ गया कि ये 7 तारीख है और ये हमारी 8 तारीख होगी, तो एक्चुअल में ये 8 तारीख है। या तो हमें पता है ये करेक्ट वैल्यू है तो हम इसको चेंज कर देंगे, अदरवाइज कॉलम को ही रिमूव कर देंगे, ये हमें पता चल रहा है कि कॉलम में वैल्यू क्या है, या फिर हो सकता है कि डुप्लीकेट वैल्यू भी हो। तो ये देखिए 246 क्वांटिटी है और यहाँ पे 246 क्वांटिटी, यानी ये डुप्लीकेट ही वैल्यू है। तो इससे अच्छा यही है कि इस वैल्यू को हम यहाँ से डिलीट मार दें, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट ही कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया, यहाँ भी कर सकते हैं और इसे डेटा में भी कर सकते हैं। अच्छी बात ये होती है कि हम डेटा में चेंज ना करें, तो हम चलो वहीं चेंज करते हैं, कोई बात नहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि रफ डेटा ये तो उसको एक्चुअली में 8 ही रन देते हैं, ठीक है। और मैं इसको सेव करके क्लोज किया, अब यहाँ तो खैर ऑलरेडी सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, अब देखो अपने आप ही सॉल्व हो गया ये प्रॉब्लम, कि उसने उसको अपने आप ही ठीक कर लिया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखा कितनी छोटी सी प्रॉब्लम थी और उसने कितना टाइम कंज्यूम कर लिया। तो आपसे ये गुजारिश रहेगी, इसको काट दिएगा मत, आप चाहे कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, आप उसको काट करके आगे देखें, नहीं ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, कि एक एक्सपीरियंस है जो छोटी सी प्रॉब्लम थी और हमने उसको कितने सारे एक्सपर्ट चेक की, मैं कई सारे एक्सपर्ट चेक किए कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, फिर वहां से कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी, कुछ मैनुअली काम किया है, कुछ ऑटोमेटिक करने की कोशिश की, तो ये सभी मिलाकर के एक छोटी सी प्रॉब्लम हमने सॉल्यूशन की। अब ऑब्वियसली ये है कि अब इस प्रॉब्लम को हम आगे याद रखेंगे और फिर यही हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है, ठीक है। अब हमने ये सभी, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, तो ये अभी हमने सारी फाइल हमने कनेक्ट कर ली है, अब इन सबको अपेंड करना है, तभी हम उस पर कोई विजुअलाइज क्रिएशन कर पाएंगे। अब देखिए अपेंड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम यहाँ पर अपेंड एस न्यू करें, क्योंकि यहाँ पर 4 फाइल्स हैं, हमें पता नहीं चलेगा कौन सी फाइल को लोड करना है, कौन सी को नहीं करना है,
पर अब ये टू टेबल नहीं है हमारे पास, कई सारे टेबल्स हैं, तो पुणे यहाँ पर ऑलरेडी है, और दिल्ली हरियाणा एंड मुंबई को क्लिक सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ ऐड कर लेते हैं, फिर चार टेबल्स यहाँ आगे और ओके करते हैं। अपेंड करना हमने प्रीवियस में सीख लिया था। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो अपेंड कुछ ठीक तरह से नहीं हुआ, यहाँ पर ये एट्रीब्यूट वैल्यूज आ गए किसी एक में होंगे जरूर। यहाँ पर चेक करते हैं आइटम डेट्स इन्वेंट्री, यहाँ पर आइटम डेट्स इन्वेंट्री, यहाँ पर आइटम एट्रीब्यूट वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर ये हमारी डेट्स है और यहाँ पर भी एक्चुअल में हमने इसे डेट नहीं किया हुआ है, और ये हमारा टेक्स्ट है और ये हमारा नंबर है, और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी सब कुछ ठीक है। अब अपेंड देखते हैं सब कुछ ठीक है। यहाँ पर उस पॉलम में अभी भी इन्वेंटरी और वैल्यू यानी कि कहीं ना कहीं हमने डाला हुआ है, रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी नहीं गया जा रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं तो हो गई इसमें इन्वेंटरी डेट्स वैल्यू, इसमें इन्वेंटरी है, इसमें वैल्यू जा रहा है, इसमें हमें इसे इन्वेंटरी करना है, इन्वेंटरी करेक्ट। अब वापस अपेंड पे आते हैं, अब देखिए तीनों कॉलम ठीक आ रहे हैं, अभी देखो इसका ये ऐसा आ रहा है करेक्ट आना चाहिए था, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, रीजन ये हुआ कहीं ना कहीं हमने इसको करेक्ट फॉर्मेट नहीं दिया होगा ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने सही से नहीं दिया हुआ, तो इसको हम टेक्स्ट कर लेते हैं और इसको भी हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि अगर हमने अपेंड करने के बाद हमें कोई वैल्यू ऐसा शो हो रही है तो हम उसे वहां पर भी सही कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर करेंगे तो कॉलम तो अलग अलग रहने वाले हैं, तो उसे वहीं करेंगे ताकि वो अपेंड होकर के यहाँ पर करेक्ट आए। तो हम यहाँ पे एक अच्छा प्रैक्टिस ये हो सकती थी कि हम यहाँ पर इनके कॉलम चेंज ना करते, हम इसको डेट्स और इन्वेंटरी नहीं करते, तो क्या फायदा होता, हमें इन चारों में ठीक नहीं करना होता, अपेंड होता तो करेक्ट होता क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आती और यहाँ पर वो एट्रीब्यूट आता, पर यहाँ पर इस अपेंड क्वेरी में हम उसे चेंज कर लेते, हमें सिर्फ एक बार ही काम करना होता, ये सब प्रैक्टिस पर ही आता है ठीक है। अब ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अब इसको हम डेटा को लोड करते हैं तो मुंबई हरियाणा तेलंगाना या जो भी स्टेट्स हैं उसके हिसाब से कोई हम चार्ट नहीं बना सकते यहाँ पर, वो यहाँ पर है ही नहीं करेक्ट, तो यहाँ पर और ना ही हम किसी तरीके से पता लगा सकते हैं कौन सा डेटा किसका है, और अलग अलग से बनाएंगे तो वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो क्या करते हैं हम इन सभी में एक एक कॉलम ऐड कर देते हैं उसकी स्टेट का ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर हम एक कॉलम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर ऐड कॉलम में गए और हमने यहाँ से एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, कस्टम कॉलम ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा कॉलम है, कॉलम का नाम रख देते हैं हम सिटी या लोकेशन, तो सिटी रख देते हैं, सिटी रख दिया हमने यहाँ पर, यहाँ लोकेशन इज द बेस्ट लोकेशन। अब यहाँ पर सबके लिए एक ही वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पर फिक्स कर देते हैं वैल्यू को, वो है एक्सेल की तरह इस सभी सेल्स में सेम वैल्यू आ जाएगी, और इसको हमने टैग कर दिया। अब ऐसे हम हरियाणा में भी कॉलम ऐड कर लेते हैं, और कस्टम कॉलम इसका नाम भी हमें सेम रखना है लोकेशन, और यहां पर हमें वैल्यू डालनी है हरियाणा, और इसको किया ओके, यहां पर भी ऐड हो गया, इसे भी हम टैग कर देते हैं। अब आते हैं मुंबई में, सेम प्रोसेस अपनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं हम, और या फिर हम मतलब कि हम कुछ डिपेंड नहीं करता यहाँ पर हम कैसे करेंगे, कस्टम कॉलम से ही हम कॉलम ऐड कर सकते हैं, कस्टम कॉलम बिल्कुल सही का तरीका है कि यहाँ पर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लोकेशन और ये है हमारी मुंबई, मुंबई ये भी हमारा टेक्स्ट हुआ, और अब आते हैं पुणे पर कस्टम, और ये हमारा हुआ लोकेशन, और फटाफट से हमने कर लिया पुणे ठीक है। अब ये भी हमने इसको टेक्स्ट कर लिया, और अब एंड में जाकर देखेंगे तो ऑलरेडी ये कॉलम ऐड हो चुका होगा और उसमें सभी सिटीज होंगी, लोड करते हैं चारों कंट्री, अब हम इसके हिसाब से भी इसको फिल्टर कर पाएंगे डेटा को। अब क्या करते हैं हम इसको डेटा को कर देते हैं लोड, तो ये हमारा डेटा हो गया यहाँ पर लोड,
अब देखेंगे यहाँ पर सारी कॉलम आ जाएंगे यहाँ पर, अब ये अप्लाई हो रहा है, अपेंड भी आ गया, और ये चार पांच ये सारे कॉलम इसके अंदर पहले से ही हैं टेबल्स, तो ये एक्चुअली में डुप्लीकेट्स दिखा रहा है। तो अपेंड करने के बाद हम इन टेबल को हटा सकते हैं, वो हटा सकते हैं लेकिन उस टेक्निक से नहीं, अगर हम इनको डिलीट कर देंगे तो, क्योंकि ये अपेंड इन सभी टेबल से ही डेटा ले रहा है तो वो भी बेकार हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसे हम डिलीट नहीं करेंगे, इसे हम हाइड करेंगे, यानी हम इसे रोक देंगे कि वो इसमें कुछ प्रॉब्लम है हरियाणा में चार में, इसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में देखेंगे इसको। तो अभी हम वापस उसी सिनेरियो पे आते हैं कि अब ये जो चारों टेबल्स हैं हमें यहाँ से नहीं चाहिए, तो इसे हम डिलीट नहीं कर सकते एक्चुअल में। तो हम वापस क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका, यहाँ पर वापस आते हैं और इन सभी को वापस राइट क्लिक करके यहाँ पर है इनेबल लोड, इसको अनक्लिक कर देंगे। अब ये डेटा जो है पावर बीआई में लोड नहीं होगा, एक्सट्रैक्ट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, लेकिन लोड नहीं होगा। तो इनेबल लोड हमने जैसे अब तो क्लिक करते हैं ना, ये इटैलिक हो जाता है इसका फॉर्म, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी टेबल जो है एक्टिव है और कौन सी इनएक्टिव, सॉरी इनएक्टिव वर्ड करेक्ट नहीं, इसके लिए कौन सी हिडन है और कौन सी अनहिडन है, ये अपेंड वाली टेबल ही यहाँ पर लोड होगी। तो हमने यहाँ पर लोड कर दिया, अब देखेंगे थोड़ा सा रिफ्रेश होगा ये, और इसके साथ ही ये अप्लाई कर देते हैं चेंजेस को, और ये हटकर ये मेन टेबल यहाँ पर आ गई है, इसको हम इस टेबल मोड में देख सकते हैं और कोई विजुअल बना सकते हैं, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। नहीं, हम टेबल हमने एक सक्सेसफुल तरीके से हमने एक डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन को और डिफरेंट टाइप के टेबल्स को कंबाइन करके यहाँ पर ले आए, आइटम वाइज, लोकेशन वाइज और डेट वाइज हम स्टॉक यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। तो अब लास्ट क्या कहते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो चुकी है लेकिन ये काफी बहुत चीज आपको सीखने को देगी। थैंक यू।